10th exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने जिसमें कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर. ठीक है, ओड इंटीजर की बात कर रहा है हमारा यहां पर जो विषम संख्या होगी हमारी. ठीक है, जो 2 के टेबल में नहीं आती वो किस फॉर्म में हो सकता है. इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 वो हमारे इस फॉर्म में हो सकता है जहां पर हमारा q क्या होगा. q इज सम इंटीजर जहां पर हमारा जो q है वो क्या कोई इंटीजर होगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि a हमारा, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं a को ताकि आपको साफ दिखे. a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू लेट कर लेंगे हमारी 6. जो भी हमारा q के मल्टीपल में होगा यहां पर भी सब में q के मल्टीपल में क्या है 6, तो उसी को लेट कर लेंगे b की वैल्यू हमारी 6. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारा, a इक्वल्स टू bq प्लस में r. ठीक है, ये bq प्लस में r को आप देखोगे तो आपको ये फॉर्म कुछ इसी तरह दिखेगी. ठीक है, b की वैल्यू हमने लेट की है 6, तो bq प्लस में r रिमाइंडर हो जाएगा हमारा r. और r अगर हम यहां पर इसी को आगे करें तो फिर r की वैल्यू हमारी क्या होती है, r की वैल्यू क्या होगी हमारी, r इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b. ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होती है हमारी, या तो 0 के इक्वल होगा या b से छोटा, b से छोटी जितनी भी वैल्यू होंगी पॉसिबल वैल्यूज वो r की हो जाएंगी. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो हमारी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी r की, r की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, इक्वल टू 0, 0 होगी. ठीक है, और b से स्मॉलर देन b, b है हमारा 6, तो b से कम क्या वैल्यू होती है हमारी, 1 2 3 4 5 ये सारी हमारी r की वैल्यूज हो जाएंगी. ठीक है, अब व्हेन r इक्वल्स टू 0, अगर हमारी r की वैल्यू 0 है, ठीक है, देयरफॉर सॉरी देन, तो अगर हमारी r की वैल्यू 0 है तो हमारा a क्या होगा हमारा, ठीक है, a क्या होगा हमारा bq. ठीक है, b है हमारा 6, तो 6q है हमारा एज इट इज प्लस में r, r की वैल्यू 0 देन 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 6q. ठीक है, और ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा इवन. ठीक है, अगर हम 6 को 6 का टेबल लिखेंगे, अगर हम 6 12 18 और 24 एज इट इज अगर हम इसका टेबल आगे लेके जाते हैं तो ये क्या होगा हमारा, मतलब अगर हम किसी को 6 से, कोई इंटीजर है a, उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, तो हमारे सभी क्या होंगे, 6 का टेबल जो होता है कहीं तक भी जाएगा वो क्या होगा हमारा, इवन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवन. ठीक है, इसी तरह अगर r की वैल्यू हमारी r इक्वल्स टू 1 देन a इक्वल्स टू 6q प्लस में 1, और ये क्या होगा हमारा ओड. ठीक है, ओड किस तरह से होगा, 6 के टेबल में हमारा कोई भी 6 का मल्टीपल होगा हमारा, उसमें अगर 1 प्लस कर देंगे, 6 में 1 प्लस कर देंगे 7, और 12 में 1 प्लस कर देंगे ओड, 18 में 1 प्लस कर देंगे 19 जो कि ओड है, ऐसे ही कोई भी हमारा 6 का मल्टीपल होगा उसमें अगर 1 प्लस कर देंगे तो ओड हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह r की वैल्यू अगर 2 होगी तो a इक्वल्स टू 6q प्लस में 2, अगर r की वैल्यू हमारी 3 है तो a इक्वल्स टू 6q प्लस में 3, ये होगा हमारा इवन. ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, अगर 6 के टेबल में कोई भी q हमारा इंटीजर है, 6 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा जो भी होगा उसमें 2, 6 में 2 प्लस करेंगे हमारा 8 इवन, 12 में 2 प्लस करेंगे 14 इवन, 18 में 2 प्लस करेंगे वो भी हमारा 20 इवन हो जाएगा, और ये अगर 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ओड. ठीक है, ऐसे ही r की वैल्यू अगर हमारी 4 होगी तो a इक्वल्स टू 6q प्लस में 4, ये होगा हमारा इवन. और r की वैल्यू अगर 5 होगी तो a इक्वल्स टू 6q प्लस में 5, और ये होगा हमारा ओड. ठीक है, तो हमें क्या शो करना था कि हमारा कोई भी ओड इंटीजर है. ठीक है, ओड इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में. तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा ये इंटीजर जो होगा a, ये ओड होगा, ये 6q प्लस 1 की फॉर्म में है, ये 6q प्लस 3 की फॉर्म में, ये भी ओड है, और 6q प्लस 5 जो है ये भी ओड है. तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं देन एनी
पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। तो ये हमने शो कर दिया यहाँ पर, ये सभी हमारे जो आएंगे, कोई भी हमारा ओड इंटीजर होगा वो हमारा 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म।